विधानसभा चुनाव के ठीक एक साल पहले सरकार ने मध्य प्रदेश स्थापना दिवस को यादगार बनाना तय किया है। इसके लिए शिवराज सिंह चौहान ने 14 कमेटियां बनाई है। इसमें मंत्रियों और अफसरों को शामिल किया गया है। यह कमेटियां मध्य प्रदेश के विकास का नया खाका तैयार करेगी और पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को सौंपेगी और उसके बाद सरकार इस खाके को मध्य प्रदेश की जनता को 1 नवंबर को मध्य प्रदेश स्थापना दिवस के मौके पर सौंपेगी। दरअसल सरकार ने तय किया है कि अब तक हुए विकास और आगे भविष्य की योजनाओं को इस प्रारूप में शामिल किया जाए। इसके अलावा मध्य प्रदेश में विकास यात्राएं निकालने का भी ऐलान किया गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद इस विकास यात्रा में शामिल होंगे और मंत्री, विधायक और सांसद जिलों में इन विकास यात्राओं को निकालेंगे। यह दरअसल विधानसभा चुनावों की प्री तैयारी भी है और एक तरह से जनता को यह बताना भी है कि भाजपा सरकार ने अब तक क्या काम किए हैं और आगे भाजपा सरकार का विजन क्या है। हम जहां खड़े हैं ये है कुकरा राजघाट, जहां कभी चहल पहल हुआ करती थी और लाखों श्रद्धालु यहां पर साल भर में आते थे और बड़े बड़े मंदिर हैं यहां पे जो आज डूब चुके हैं। हमारे पीछे आप देख रहे हैं ये गांव है, थोड़ी बहुत जो चहल पहल कुछ लोग नजर आ रहे हैं। ये गांव आज टापू बन चुका है, चारों तरफ पानी से घिरा हुआ, फिर भी 28 परिवार इस गांव में आज भी रह रहे हैं। इन लोगों को ना कोई मुआवजा मिला है, ना कोई पुनर्वास नीति का लाभ मिला है। पानी से घिरे इस टापू पर लोग फिर भी इसलिए बसे हुए हैं कि उन्हें आज भी कोई उम्मीद है कि कुछ मिल जाएगा तो वो यहाँ से चले जाएंगे। यहाँ कुल 20-22 बच्चे ऐसे हैं जो रोजाना बड़वानी स्कूल जाते हैं, उन्हें कई डोंगी से छोड़ रहे हैं तो कभी माता पिता कंधे पर बिठा कर उन पार छोड़ रहे हैं। चारों तरफ पानी पानी होने के बावजूद भी ये सिर्फ इसी उम्मीद पर बैठे हुए हैं कि यहाँ उन्हें सरकार कुछ दे, उनकी ये बात सुने। अगर उनकी बात नहीं सुनती है तो ये बैठेंगे। आज 131 का बैकवाटर यहाँ आ चुका है, 139 के पूरा गाँव डूब में आएगा, कुछ मकान बाकी रह जाएंगे, लेकिन फिर भी ये इसी उम्मीद से बैठे हुए हैं कि उन्हें कुछ दे दे। इन लोगों की सिर्फ एक मांग है कि इन्हें एक अगर प्लाट और 5,80,000 भी अगर सरकार दे देती है तो भी ये यहाँ से हटने को राजी है। माँ शक्ति की भक्ति के आराधना के पर्व नवरात्र का उल्लास शहर में जारी है। माँ नवरात्र में माँ की आराधना अलग अलग तरीके से लोग कर रहे हैं। कोई नंगे पाँव रह के आराधना कर रहा है तो कोई निराहार या फलाहार कर उपवास रख आराधना कर रहा है। आज महाअष्टमी की नवरात्र की महाअष्टमी को शहर के सुकिलास कॉलोनी से श्रद्धालुओं ने चुनरी यात्रा निकाली। 251 फीट की चुनरी को लेकर श्रद्धालु करीब 5 किलोमीटर पैदल शहर से घूमते हुए माँ वैष्णो देवी के दरबार में जाएंगे, जहाँ माता को चुनरी अर्पित कर शहर और देश की सुख शांति के लिए प्रार्थना की जाएगी। इस समय होशंगाबाद के आदमगढ़ पहाड़ी क्षेत्र में है। ये पहाड़ी आदि मानव के बनाए हुए चित्रों के लिए जानी जाती है, जो विश्व धरोहर के रूप में पूरी दुनिया में मशहूर है। लेकिन इन चित्रों को अब असामाजिक तत्वों के द्वारा खतरा पैदा हो गया है। विभाग के यहाँ मौजूद गाइडों ने अपने विभाग को एक पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने इन चित्रों को असामाजिक तत्वों के द्वारा खतरा होना मौजूद बताया गया है। यहाँ पर जो चित्र मौजूद है वो आदि काल के बने हुए चित्र हैं, जब आदि मानव जंगलों में और पहाड़ों में रहता था। उस समय भाषा का आविष्कार नहीं हुआ था, तब पूर्व पाषाण से लेकर लोह युग तक के चित्रों को चित्रों के माध्यम से दिखाया गया है। वो बात भी चित्रों के माध्यम से ही करते थे, अब उन चित्रों पर संकट गहराता जा रहा है। विभाग इसमें लापरवाही बरत रहा है और इनके पत्र के ऊपर अब कार्रवाई क्या होगी ये देखने वाली बात है। लोकेश तिवारी, होशंगाबाद पत्रिका की। होशंगाबाद में 138 साल पुरानी रामलीला और उसके लिए ये पुतले बनाए जा रहे हैं, मेघनाथ, कुंभकर्ण और रावण का। 3 दिनों तक अलग अलग 3 पुतले जलते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि ये पुतलों का निर्माण एक मुस्लिम परिवार कई वर्षों से करता चला आ रहा है। सांप्रदायिक सौहार्द की ऐसी मिसाल होशंगाबाद में देखने को मिलती है कि मुस्लिम परिवार दिन रात मेहनत करके ये रामायण में रामलीला के लिए जो पुतलों का निर्माण होता है, अपनी दिन रात मेहनत करके पूरा परिवार काम करके इन पुतलों को तैयार करता है, जिसका दहन दशहरे के दिन किया जाए।
दशहरा पर्व में दो दिन बाद ही माँ दुर्गा प्रतिमाओं का विसर्जन शुरू होना है। तिलवारा घाट में अभी तैयारियां अधूरी नजर आ रही है। गणेश प्रतिमाओं के विसर्जन के दौरान जो निर्माण सामग्री घाटों के आसपास छुटी हुई थी उसकी भी साफ सफाई नहीं हुई है। पानी में जो लाइनर डाले गए हैं वो बेहद पतले हैं, उनके फट जाने से प्रदूषित पानी का रिसाव नर्मदा जल में जाने की आशंका है। यहाँ मजदूर भी लगे हुए हैं लेकिन मात्र 3 मजदूर है जो साफ सफाई के काम में लगे हुए हैं और मार्ग में मिट्टियाँ डाल रहे हैं। मरम्मत का कार्य अभी बहुत ही धीमी गति से चल रहा है। जिला पंचायत में आयोजित साधारण सभा की बैठक में विधायक देवेंद्र वर्मा ने डीएफओ से अभद्रता की। अभद्रता के विरोध में जिला प्रशासन के अधिकारी और डीएफओ कोतवाली थाने विधायक के खिलाफ प्रकरण दर्ज कराने पहुंचे। यहां डीएफओ ने विधायक पर आरोप लगाते हुए कहा कि इन्होंने बैठक के दौरान पौधरोपण की व्यवस्थाओं की जानकारी मांगी और सुरक्षा गार्ड तैनात करने की बात कही। हालांकि बजट के अभाव में मैंने इसमें असमर्थता जताई, इस पर विधायक ने जूते मारने की बात कही। वहीं विधायक का कहना है कि मैंने जूते मारने की बात डीएफओ से नहीं कही है। हालांकि डीएफओ की शिकायत पर पुलिस ने विधायक के खिलाफ अदम चेक की कार्रवाई कर दी। नवरात्र के दुर्गाष्टमी आज है। दुर्गाष्टमी को लेकर नवयुवक गरबा मंडल ने खानपुरा से 351 फीट की चुनरी यात्रा निकाली है। चुनरी यात्रा के साथ साथ युवकों ने ध्वजा यात्रा भी निकाली है। यह यात्रा नालछा माता जाएगी, वहां पर माता को ध्वजा चढ़ाई जाएगी एवं चुनरी चढ़ाई जाएगी। नगर पालिका परिषद और विभाग का साधारण सम्मेलन हुआ। सम्मेलन में लगभग 1 दर्जन मुद्दों पर सर्वसम्मत प्रस्ताव पारित किए गए। यह विषय शहर विकास को लेकर और दीपावली पर्व छठ पर्व होने वाले पटाखा मार्केट तथा मेले को लेकर के संबंध प्रस्ताव थे। कुछ प्रस्ताव पर जमकर हंगामा हुआ। कांग्रेस पार्षदों ने विरोध पूछा लेकिन भाजपा बहुमत होने के चलते इसे भी प्रस्ताव पारित कर दिया गया। शक्ति की भक्ति के पर्व का उल्लास नगर में चारों ओर छाया हुआ है। सप्तमी की रात और अष्टमी को विभिन्न गरबा पंडालों में विभिन्न खेल स्पर्धाएं रखी गई, जिसमें फैन साधिकाओं ने विभिन्न रूप धर करके माँ की आराधना की। अष्टमी को घरों में पूजा की रही, वहीं मंदिरों में हवन रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का महत्वाकांक्षी अभियान भारत स्वच्छता मिशन के तहत मंदसौर शहर को स्वच्छता के मामले में नंबर 1 बनाने के लिए नगर पालिका हर तरह के कार्य करने में जुटी हुई है। खास तौर पर शहर को स्वच्छ बनाने के साथ साथ शहर को सुंदर बनाने के लिए भी अब शहर की सार्वजनिक दीवारों पर चित्रकारी कराई जा रही है। यह चित्रकारी प्रथम चरण में नगर पालिका सीएमओ की पहल पर नगर पालिका कर्मचारियों के सहयोग से, उनकी सहयोग निधि से, उनसे दान एकत्र कराई जा रही है। अभी नगर पालिका के मुख्य कार्यालय पर जो चित्र बना है उनमें सांची के स्तूप, शिवना नदी और लाल किला, टाइगर, ये चित्र बनाए जा चुके हैं और ये क्रम लगातार चलता रहेगा। 24 दिनों बाद शुरू हुआ 125 मीटर लंबा डायवर्सन। 3 सितंबर को रतलाम शहर का सबसे व्यस्त छतरीपुर अचानक भरभरा कर ढह गया था और इसके बाद लगभग 115,000 रहवासी लगातार परिवर्तित मार्गों से होकर निकल रहे थे। आखिरकार प्रशासन और नगर निगम की लगातार मेहनत के बाद बुधवार की रात को 125 मीटर का लंबा डायवर्सन रोड तैयार कर दिया गया है। गुरुवार सुबह से ही उस पर आवागमन की शुरुआत भी हो गई है। हालांकि फिलहाल सिर्फ 2 पहिया वाहन निकाले जा रहे हैं। देखना है आने वाले समय में किस तरह यातायात दबाव को आकलन कर 4-व्हीलर वाहनों की सुविधा भी दी जाती है। उज्जैन में पत्रिका का गरबा महोत्सव का शानदार तरीके से शुभारंभ किया गया। शहर के 3-स्टार होटल अंजुश्री में भव्य कार्यक्रम शुरू हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ उज्जैन रेंज के एडीजी श्री वी मधु कुमार जी ने किया। सबसे पहले दुर्गा पूजन हुआ, इसके बाद 2 घंटे तक लगातार मां की आराधना में गरबे की धुन पर डीजे और बैंड के साथ
कपल्स और युवा और युवतियों ने जमकर धमाल मचाया। 2 घंटे तक लगातार माँ की आराधना की गई। इसके बाद विजेताओं को शहर के समाज सेवियों द्वारा पुरस्कार वितरित किए गए। महाअष्टमी के अवसर पर गुरुवार को नगर पूजन का आयोजन किया गया। 24 खंभा माता मंदिर स्थित महालया और महामाया माता पर पूजन अर्चन के बाद मदिरा का भोग लगाया गया। नगर पूजा का यह क्रम इस पूजन के बाद शुरू हुआ। इसके बाद 27 किलोमीटर लंबे मार्ग पर तमाम मंदिरों, माता मंदिरों, भैरव मंदिरों में मदिरा का अर्पण कर पूजन अर्चन की गई। प्राचीन काल से चल रही इस परंपरा को आज़ादी के बाद प्रशासन द्वारा संचालित किया जा रहा है। गुरुवार को यह पूजा धूमधाम से संपन्न हुई। माता जी को मदिरा का भोग लगाया गया और उसके पश्चात मदिरा का यह प्रसाद भक्तों में अर्पित किया गया। यह प्रसाद श्रद्धा से अनेक भक्तों ने ग्रहण भी किया।